एग्रीकल्चर से इफ देर इज फीड स्टॉक एंड रेजिड्यू जो आपका बचा हैल्चर और वहां से वट एवर रेजिड्यू यू हैव इन द फॉर्म ऑफ मनोर फ्रॉम एनिमल हजबेंड्री दैट कूड एक्ट एज अर फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर इस तरीके से यू हैव क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम

क्रॉप्स का क्रॉप्स की हेल्थ इंप्रूव होगी बिकॉज वॉट यूर यूजिंग इज नॉट केमिकल फर्टिलाइजर्स आप ऑर्गेनिक मेन्योर इस्तेमाल कर रहे हैं इट विल ऑल्सो हेल्प इन पोल्यूशन कंट्रोल एंड बाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंड्री में काफी बड़ी एप्लीकेशन है सॉइल मैनेजमेंट एंड फर्टिलिटी आपकी सॉइल भी काफी फर्टाइल होगी जब क्रॉप आपका डाइवर्सिफाइड होगा कम्युनिटी एंगेजमेंट काफी ज्यादा होगी नेचर कंजर्वेशन इट विल हेल्प इन दैट वाटर मैनेजमेंट एंड एनर्जी एफिशिएंसी, आर योर ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्रिएट कर सकते थे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इनकम ग्रोथ नाउ लेट्स अंडरस्टैंड उनको कैसे फायदा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल According to agricultural census of 2015, India has 86% of small and marginal farmers. and integrated farming system would go a long way in helping the small and marginal farmers. So, you have 86% of the total count you have in the form of small and marginal farmers, according to this census. Now, if you integrated farming system, ko crack kar liya, you will be able to help 86% of the farmers.

फार्मर्स इन रिडक्शन इन दियर कॉस्ट एक्सपेंसिस कैसे बिकॉज जो आपको एक फार्मिंग सिस्टम से आपको जो वेस्ट निकलेगा दैट कैन बी यूज ये जो आउटपुट है दैट कैन बी यूज एज एन इनपुट इन अनदर पर्टिक्यूलर फार्मिंग सिस्टम तो आपका वेस्टेज कम हो रहा है आपको फर्दर इनपुट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही आपका कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है और फाइनेंशियल बर्डन जो आप पर था वो कम हो रहा है

पोल्ट्री एज वेल एज यू नो फिशरीज ऐसे पर्टिकुलर सिनारियों में फार्मर कैन हैव यू नो डिफरेंट क्रॉप ऑल्सो सम वेजिटेबल्स एंड दोज प्रोडक्ट्स विल इंश्योर न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द फार्मर्स इट सेल्फ तो उनकी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है दैट कुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम नंबर फोर इराटिक मूनसून क्योंकि moonsoon आपका काफी है वी नॉट नो कि बारिशें कब कब आएंगी कभ नहीं आएंगी जिसकी वजह से दे हैव ओवर डिपेंडेंस ऑन आता इनकम थ्रू आउट आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर मानसून नहीं आया तो आपका फॉर एग्जाम्पल क्रॉप प्रोडक्शन uh, गिर जाएगा बट यू हैव अनादर क्रॉप यू हैव इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जहां पर आप दूसरे क्रॉप से अपना रिलायबल इनकम जनरेट कर सकते हो देन यू हैव नंबर एंड marginal फार्मर्स इज इट विल reduce द एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस एंड मेक द फार्मर्स सेल्फ रिलायंट एंड दैट वुड बी इन two सेंस आत्मनिर्भर एंड नंबर 6 वी हैव रिड्यूस्ड माइग्रेशन

इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टमली हेल्प द गवेंट इन रियलाइजिंग इट्स गोल तो गवर्नमेंट का गोल क्या है ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम एंड इवन इनक्रीज द टोटल जी वी ए ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर टू ओवरऑल इकोनॉमी तो हम एग्रीकल्चरल सेक्टर का शेयर बढ़ा सकते हैं टोटल जी डी पी में Which would be possible through the integrated farming system. Otherwise, we know that agricultural share in GDP, total GDP, is on the fall. Also, however, we know that this is the benefit of this. However, the challenges like lack of awareness, Hamare farmers are not aware of the system, low institutional finance, because uh, you know we know that there are uh, institutional finances available nahi hai farmers ko. They are still dependent on the money lenders. And finally, hesitancy to adopt new agricultural practices. Kafi hesitant PA farmers should be addressed for uplifting the entire rural economy. Not only that, but along with environmental conservation and crop diversity in India. Now, that would be a suitable conclusion to the question. It was a direct question and an easy question. Thank you so much. God bless you.